उत्तराखंड में पीएम मोदी नमामि गंगे के तहत 6 प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उद्घाटन। पीएम मोदी हरिद्वार के जगजीतपुर सराई में एसटीपी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा म्यूजियम की भी करेंगे शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से करेंगे संवाद। किसान बिल को लेकर सोनिया गांधी का कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश, कहा बिल के खिलाफ विधानसभा में पास करें प्रस्ताव। किसान कानून का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को दी चुनौती। किसान कानून पर दिल्ली में किसानों की हुंकार, यूथ कांग्रेस ने ट्रैक्टर में लगाई आग। पंजाब के अमृतसर में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। कृषि कानून के विरोध में देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन घेराव की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। जम्मू कश्मीर में भी किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन। पुंछ में युवा कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। चीन को मिलेगा करारा जवाब। बॉर्डर पर भारत की सबसे खतरनाक निर्भय मिसाइल तैनात। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की साजिश का किया पर्दाफाश। पाक 4000 आतंकियों को प्रतिबंधित सूची से निकाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंडरपास का वर्चुअल शिलान्यास। लंबे समय तक सेवा देने वाले INS विराट को भावपूर्ण विदाई, तोड़ने का काम हुआ शुरू। बंगाल में ममता बनर्जी को राज्यपाल की चेतावनी, सरकार के काम को अलोकतांत्रिक बता करके कहा मुझे आजकल 154 देखने पर मजबूर ना करें। सांसद नुसरत जहां के पीछे फिर बड़े कट्टरपंथी, दुर्गा अवतार में फोटोशूट कराने को लेकर के जान से मारने की धमकी। बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर को संभावित फैसले पर उमा भारती का बड़ा ऐलान, कहा जो भी फैसला हो जमानत नहीं लूंगी। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन, बॉलीवुड ड्रग माफिया के खिलाफ दी अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी। सुशांत केस में एम्स ने CBI को सौंपी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट। कंगना का दफ्तर तोड़ने पर BMC को फिर बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, कोर्ट ने पूछा पहले की लिस्ट क्यों नहीं तोड़ी। रामदास अठावले की अभिनेत्री पायल घोष से मुलाकात, मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। अभिनेत्री पायल घोष के वकील ने मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल, कहा अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, अब तक 3,32,00,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 60,00,000 के पार। देश में अब तक 95,542 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 82,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,984 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 11,921 नए मामले किए गए दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 779 नए केस आए सामने। झारखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,508 नए केस किए गए दर्ज। बीकानेर में कोविड हॉस्पिटल में लगे ठुमके, पति पत्नी ने जमकर के किया डांस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ रंग लाई सीएम योगी की खास रणनीति, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण घटने के साथ करीब 85% पहुंचा रिकवरी रेट। उन्नाव को सीएम योगी ने दी विकास योजनाओं की सौगात, 51 योजनाओं का लोकार्पण और 17 योजनाओं का शिलान्यास। बिजली की गलत बिलिंग पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जताई नाराजगी। वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के की मांग, लिखा मुगलों ने जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई वहां फिर से बने मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर 30 सितंबर को होगी कोर्ट में सुनवाई, याचिका में ईदगाह हटाने की मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर मामले में भी हुई सुनवाई, 3 अक्टूबर को अगली सुनवाई। दुर्गा पूजा कमेटियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, आयोजन में अनुमति में दखल देने से कोर्ट का इनकार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले 3 लोगों की मौत। बरेली में जमीन विवाद को लेकर के दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग। गाजियाबाद में ADM और SP ऑफिस की तरफ बढ़ रहे किसानों को प्रशासन ने रोका। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा शिकंजा, पत्नी और उसके भाइयों की धरपकड़ के लिए बनाई गई टीम। विकास दुबे से जुड़े 54 लोगों की लिस्ट SIT ने LDA को भेज दिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इस दौरान एक बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलियों की आवाज से इलाके में दहशत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने हुई टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। झांसी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, एक शख्स ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तानी रिवॉल्वर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर के SP छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। हापुड़ में अवैध असलहा से एक युवती की फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। हापुड़ में हरियाणवी डांसर के बीच सड़क पर धुनाई का वीडियो हो रहा है वायरल। जौनपुर में 2 पक्षों में हुए जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत। बिहार में NDA में टूट के आसार, 42 सीटों की दावेदारी पर अड़े चिराग पासवान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के LJP आज कर सकती है कोई बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक सहमति नहीं बनी तो NDA से अलग हो सकती है LJP।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आरजेडी कांग्रेस में बन सकती है सहमति। महागठबंधन में शामिल होगी लेफ्ट, तेजस्वी की अगुवाई में चुनाव लड़ने की तैयारी। पूर्णिया में शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी की घोषणा पर कसा तंज, नौकरी के लिए जमीन लिखवाने वाले कैबिनेट की पहली बैठक में कैसे दिलाएंगे 10 लाख सरकारी नौकरी। उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव का तगड़ा झटका, आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने थामी लालटेन। लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद ने थामा आरजेडी का दामन, राबड़ी देवी के आवास पर ली सदस्यता। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, आरजेडी के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन ने बेटे मोहम्मद फिरोज हुसैन जेडीयू में शामिल। बिहार में एक और गठबंधन का ऐलान, पप्पू यादव और चंद्रशेखर ने बनाया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते किशनगंज पुलिस हुई सक्रिय, भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च। कैमूर के मोहनिया में आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में एक कार पर FIR हुई दर्ज। चतरा में 19 किलो डोडा और गांजा के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। बिहार में मधेपुर में नशा के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। शिवपुरी के करैरा से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक शकुंतला खटीक ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर बढ़ा सियासी गर्मी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने उपचुनाव को बताया था देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच की जंग। स्पेशल डीजी पद से हटाए जाने के बाद गृह विभाग का IPS पुरुषोत्तम शर्मा को नोटिस। दूसरी महिला के साथ पकड़े जाने पर पुरुषोत्तम शर्मा ने की थी पत्नी से मारपीट, बेटे ने लगाई थी कार्रवाई की गुहार। सतना के सिंहपुर थाने में युवक की मौत के मामले में सख्त हुई सरकार। सेल्फी का शौक फिर साबित हुआ जानलेवा, विदिशा में खलाली डैम पर सेल्फी लेते फिसलने से नदी में महिला गिर गई। इंदौर में कलेक्टर के पास मिला कांग्रेस पार्षदों का दल, सांवेर में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल। बदाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भिलाई स्टील प्लांट में कर्मचारी की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर अड़े परिजन। रायपुर में आगे नहीं बढ़ेगा लॉकडाउन, समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने किया ऐलान। मंडवा में नर्मदा नदी में 2 बच्चों संग महिला ने नदी में लगाई छलांग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रदेश को करोड़ों की सौगात, 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट का शिलान्यास। जोधपुर में IPL पर सट्टा लगाते 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। भीलवाड़ा में घरेलू कलह से परेशान एक महिला ने फंदे से झूल करके आत्महत्या की। कर्नाटक के मंगलूरू एयरपोर्ट से 33 लाख रुपए का सोना जब्त, एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। शेर ने किया बछड़े का शिकार, गुजरात के रामपुरा गांव का वीडियो हो रहा है वायरल। पश्चिम बंगाल की नदियां में जर्मनी भेजी जाएंगी दुर्गा प्रतिमाएं, प्रतिमाएं प्लेन से जर्मनी भेजे जाने के लिए हो गई तैयार। फोरम पूरा ना होने के चलते RBI ने टाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक। SBI का फेस्टिवल ऑफर, होम कार और पर्सनल लोन पर भारी छूट। अडानी एंटरप्राइजेस में 1 रुपए निवेश कर रिटर्न अब 800 गुना। राशन कार्ड को आधार से जल्द करा लें लिंक, खाद्य मंत्रालय ने 30 सितंबर कर दिया समय सीमा। अमेजॉन इंडिया त्योहारी मौसम में पहले अब कर रहा है डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार, इसके लिए कंपनी ने अतिरिक्त डिलीवरी स्टेशन किए स्थापित। IPL में कोहली के चौके से RCB ने जीता सुपर ओवर का दाव। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 201 रन बनाए थे। डिविलियर्स ने 24 गेंदों पर 4 चौके और इतने ही छक्के की मदद से नाबाद 55 रन की लाजवाब पारी खेली। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर में मिली जीत के बाद बोले कोहली, सुपर ओवर से बचने के लिए फील्डिंग में करना होगा सुधार। फ्रेंच ओपन में स्टॉन वावरिका ने एंडी मरे को हरा करके किया बाहर। KBC की वापसी पर अमिताभ बच्चन ने खूबसूरत कविता शेयर करते हुए लिखा, किस्मत लिखवाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। अपने जन्मदिन के मौके पर मौनी रॉय ने मालदीव का एक सुंदर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जन्मदिन की सुबह को इतना खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। पिंक आउटफिट में सुरभि चंदना का क्यूट अंदाज इंस्टाग्राम पर हो रहा है वायरल। कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंस्टाग्राम पर खूब फोटो किए शेयर। रणबीर कपूर के जन्मदिन पर बहनों ने बरसाया प्यार, इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। आर्मेनिया और अजरबैजान में भीषण जंग, भारी तबाही। अमेरिका के पोर्टलैंड में नस्लभेद के खिलाफ प्रदर्शन, 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव TV पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।